अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत 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 अहमियत रखती है क्योंकि आज हमारा बेटा इब्राहिम सऊद कासमी माइट यूनिवर्सिटी में एज अ यंगेस्ट गेस्ट स्पीकर इनवाइटेड है और 2023 का बज़्म इल्म टेक्नोलॉजी का ये सबसे बड़ा सेमिनार है जहां पर इब्राहिम को बुलाया गया है क्योंकि ये यंगेस्ट CGI और विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट है पूरे वर्ल्ड का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम भेज दिया है और बड़ी खुशी होती है जब माँ बाप को उनकी औलाद के नाम से पुकारा जाए और ख़ासकर जब माँ बाप इतने फेमस हों कि पूरी दुनिया उनको तकरीबन जानती हो। तो ये लम्हा हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा लम्हा था कि हम दोनों बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि आज लोग कह रहे हैं कि इब्राहिम सऊद कासमी के पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। हमेशा लोग कहते थे कि इब्राहिम जो है जवेरिया और सऊद का बेटा है, तो ये एक बहुत बड़ा 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 खूबसूरत लम्हा है हमारे लिए। तो आइए हम लोग साथ मिलकर इस लम्हे को इन्जॉय करते हैं। और इस वक्त हम माइट यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं। बड़ी मुश्किल से इब्राहिम को मैंने ये ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट पहनाई है क्योंकि इब्राहिम शॉर्ट्स और टी शर्ट्स के अलावा कुछ पहनते ही नहीं है। और बड़ी मुश्किल से मैंने इब्राहिम को राज़ी किया कि प्लीज़ इब्राहिम आप स्पीकर हो, आपने स्पीच देनी है वहाँ जाकर। तो कितना अजीब सा लगेगा कि आप शॉर्ट्स और टी शर्ट में स्पीच दे रहे हो। तो फिर इब्राहिम साहब आखिरकार मान ही गए। तो हम यहाँ पर टाइम से पहुँच गए हैं और गवर्नर साहब ने भी आना है यहाँ पर। और इब्राहिम का एक मैं आपको बता दूँ कि इब्राहिम की एक बात यह है कि वो हर जगह टाइम से पहले पहुंच जाता है और यहाँ पे भी वो हमें टाइम से पहले लेकर आए हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि कभी हम कहीं लेट हो जाएं। और यहाँ पर जी अख्तियार बेग साहब हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, स्टूडेंट्स भी थे, स्पीकर्स भी थे। और अब इब्राहिम को बुलाया जाएगा स्टेज पर। बच्चे जो चाहते हैं हमें उनके साथ उसी तरह ट्रीट करना है, ये पेरेंट्स के लिए बड़ा खूबसूरत पैगाम है। और आज हमारे साथ एक जीती जाती मिसाल मौजूद है, इब्राहिम सऊद मौजूद है, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खुद बताया कि उन्होंने क्या करना है, वो क्या करना चाहते हैं। और बिल्कुल वाइस की चॉइस ये भी होनी चाहिए कि प्रोफेशन वही चुने जो आप चाहते हैं, ऐसा ना हो कि आप वो प्रोफेशन चुन लें जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं और बाद में फिर आप बोले कि आपका दिल नहीं लगता। मैं भरपूर तालियों में चाहूँगा कि इब्राहिम सऊद को हम दावत दें स्टेज पे। बहुत सारी तालियों होनी चाहिए, राइजिंग स्टार है ये पाकिस्तान, तालियों में हम इनमें से बात करें। वही फेमस स्टार्स के स्टार हैं, पाकिस्तान के यंग टैलेंट हैं और मैं चाहूँगा कि इनका इस्तकबाल और उनके लास्ट स्पीकर है और हमारी सबकी मोटिवेशन है। आज हमारे माइट यूनिवर्सिटी में स्पेशल खसूसी मेरी दावत में उन्होंने टाइम दिया है, तो भरपूर क्लैपिंग के साथ इनका इस्तकबाल करना कि मैं खुश होता हूँ बिना में। I'm 11 years old and the youngest visual effects artist, and today I'll be talking about CGI/visual effects. Well, the obvious question is, what is CGI? So basically, CGI can be noticed during movies when you see Superman flying or other things that are not possible. With the power of CGI/visual effects, you can make your thoughts come to reality. I started my journey of making videos when I was just 5 years old. Isn't that crazy? And I started to use 3D softwares when I was just 8 years old. Like softwares like Blender and yeah. When I was young, I used to watch all my favorite superheroes do miraculous things. And I've always wanted to swing like Spider-Man and fly like Superman, but I realized I couldn't.
until I started doing research on how movies do it. I soon came to find out that it's all done through CGI / visual effects, which then I started to learn from the age of 5 all the way here to now. Now I'm going to talk about why technology is the future. So technology is the future because it makes things better and easier for us. It keeps getting smarter and more useful as time goes on. Imagine having something that can solve problems, answer questions, and make your life easier. That's what technology does. Think about how phones have changed our lives. They let us talk to anyone in the world, find information about any topic instantly, and even take pictures and videos. Technology also helps us in many other areas. It helps doctors find cures for diseases and helps scientists explore the mysteries of our world. It makes our homes safer, and we can even use technology to create all types of artwork, music, and film movies. So you see, the future is full of possibilities because of technology. Thank you. मैं चाहूँगा इब्राहिम आप वहीं पे मौजूद हैं और आज अपने गेस्ट ऑफ ऑनर्स के लिए और गेस्ट स्पीकर्स के लिए बनाए थे तो उसको मैं चाहता था कि गवर्नर साहब अपने हाथ से आप सबको डिस्ट्रीब्यूट तरह से मुल्क पाकिस्तान के लिए तो फिर बात हमारे नौजवान कर रहे हैं हमारे मेहमान कर रहे हैं और हमारे गेस्ट ऑफ स्पीकर्स कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको और मजीद तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। मैं चाहूँगा जो हमने गेस्ट ओपिनियन बनाए हैं शहर आप भी आ जाए गेस्ट ओपिनियन डिस्ट्रीब्यूशन कर उनके लिए जो आज हमने जो हमारे मोटिवेशन स्पीकर भी थे और खास करके डॉक्टर काशिम महमूद साहब के लिए मैंने ओपिनियन बनाया उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पर इब्राहिम सबूत को अपने हाथ से गेस्ट ओपिनियन डिस्ट्रीब्यूट करें मुख्तार मैं चाहूँगा अनाउंसमेंट दें जियाली और इमरान भाई को कि आए और इब्राहिम सबूत का ओपिनियन अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करें और अब हम आपको दिखा रहे हैं इब्राहिम की तैयार की गई वीडियोस जो सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स के साथ इब्राहिम ने खुद बनाई हैं तो आइए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं इब्राहिम की बनाई हुई वीडियोस को यकीनन आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में आईटी को टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट करने आए हैं इनकी हौसला अफजाई करने आए हैं और अपने बेटे के लिए आए हैं हमारे बेटे की वजह से आज हमें यहाँ पर बुलाया गया अल्लाह पाक हमारे बच्चों के साथ साथ तमाम बच्चों को इसी तरह कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए और दोनों जहानों में सुरखरू करे और बच्चों को सेहत के साथ लंबी उम्र के साथ हमारे सामने हंसता खेलता रखे अपना ख्याल रखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और खुश रहें आबाद रहें सबको उम्मीद और दे अल्लाह जहानों में सुकून करें आमीन सुमा आमीन मेरे